डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, इसमें आपको बुक लेनी है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक द्वितीय भाषा और द्वितीय सत्र यानी कि सेमेस्टर 2। लास्ट वीडियो में आपने जो पोएम 5 है धमक धमक आता हाथी वो सीखी थी, ये आपने वर्कबुक में लिख भी ली होगी और ये जो पोएम है उसको लर्न भी कर ली होगी। तो बच्चों, आज हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 6, टपका का डर, यानी कि जो बारिश होती है, बारिश से जब घर का जो छप्पर होता है वो टूटा हुआ हो तो उससे जो पानी अंदर आता है घर के अंदर उसे कहते हैं टपका, यानी कि टपकना, पानी है वो टपकता है, यानी कि टपका का डर। ये जो चैप्टर है, चैप्टर में एक स्टोरी दी है। स्टोरी है किसके बारे में? एक गरीब औरत के बारे में। ये जो गरीब औरत यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये गरीब औरत है, उसका जो छप्पर है, उसके घर का छप्पर वो टूटा हुआ है और जब ये बरसात का दिन था तो बारिश तो आने ही वाली होती है, तो तब क्या होता है, आइस क्यूब यानी कि ओले, जो बर्फ के ओले हैं वो गिर रहे हैं, तो उससे उसको लग रहे हैं, जो वो पका रही है, खाना बना रही है, तो उसके अंदर भी पानी जा रहा था। इसके बारे में यहाँ पे कहानी दी है। यहाँ पे इसकी कहानी के बारे में कुछ बातें लिखी है, क्या लिखा है चलो हम देखते हैं। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला रही है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि ये जो कहानी है वो गरीब और कष्ट से, यानी कि ये जो बुढ़िया यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो पहले से गरीब तो है और कष्ट, यानी कि उसको दुख भी है बहुत सारे, क्योंकि वो अकेली है, उसके घर में बच्चे या तो उसके पति कोई भी नहीं है, वो बुढ़िया अकेले ही रहती थी, यानी कि उसको खाने के लिए, एक तो गरीब तो वो थी, उसको खाने के लिए भी नहीं मिलता था। उसमें होता ऐसा है कि बरसात का दिन था तो और एक संकट आ पड़ता है, क्या संकट आता है, उसका जो घर का छप्पर था वो टूट गया था, इसलिए वो मन ही मन झुंझला रही है, यानी कि वो मन ही मन क्रोधित हो रही है, गुस्सा हो रही है। उतने में एक जो बारिश से परेशान एक बाघ है वो बुढ़िया के घर के पास आ जाता है, उसके झोपड़े के पास बैठता है। तब होता ऐसा है कि ये जो बुढ़िया है वो घबरा के गुस्सा निकाल रही है बारिश पर और कहती है कि मुझे तो टपका से इतना डर लगता है जितना मुझे बाघ से भी डरने लगता है। तो बाघ ये बातें सुन रहा है तो वो भाग जाता है, उसको इतना डर लगता है बुढ़िया से कि ये जो टपका है वो कोई प्राणी होगा, वो टपका बुढ़िया है वो किसे कह रही थी, जो पानी है वो टपक रहा था इसलिए उसको टपका कह रही, लेकिन ये जो बाघ है वो ना समझ था, उसे ये पता नहीं चलता है, इसलिए वो डर के भाग जाता है। तो इसके बारे में हम स्टोरी देखते हैं। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था, जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। अब बरसात का दिन था यानी कि तब बारिश तो होनी ही थी, तो चारों ओर पानी बरस रहा था और जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। ये जो बुढ़िया है कहाँ पे रह रही थी, जंगल में रहती थी और उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई थी, तो झोपड़ी में उसका जो छप्पर था वो टूट गया था, यानी कि छप्पर जो घास फूस से और लकड़ी से बना हुआ था वो भी टूट गया था। बुढ़िया का घर भीग रहा था, पानी आ रहा था और झोपड़ी थी वो कोई पक्का मकान तो था नहीं, इसलिए उसका घर पूरा भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा, बुढ़िया परेशान हो उठी, वो इस बात से परेशान हो उठती है क्योंकि ये जो छप्पर था उसकी द्वारा पूरा जो पानी था बारिश का वो उसके ऊपर और उसके घर के अंदर भी आ रहा था, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन, यानी कि उसका जो छप्पर था वो ठीक कराए कौन, छाए कौन, यानी कि ठीक कौन कराए, वो तो अकेली थी और वैसे भी वो गरीब थी, उसके पास पैसे तो थे नहीं कि छप्पर ठीक कराती, इसलिए वो परेशान थी लेकिन वो कुछ भी कर सकती नहीं थी। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, ओले यानी कि आइस क्यूब। आप देखते हैं कि जो बारिश में जो कई जगह पे ओले गिरते हैं, यानी कि जो आइस गिरता है, बर्फ़ गिरती है, उसे कहते हैं ओले, गुजराती में हम उसे कहते हैं बर्फना करा। तो वो उसकी वहाँ पे पड़ने लगे बेर बराबर ओले, बेर यानी कि जो फ्रूट आता है बोर, हम गुजराती में कहते हैं बोर, वो जैसे जो उसकी उसका जो
उसका जो पेड़ पेड़ होता है बोर का, तो वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे बेर आते हैं। तो जैसे वहाँ पे बहुत सारे बेर आते हैं, उसी तरह से यहाँ पे ओले भी बहुत सारे आने लगे। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। अब आपको आपने देखा होगा कि जब ओले गिरते हैं तो वो लगते हैं हमारे सर पे, वो इतनी तेज़ी से ऊपर से आ रहे होते हैं बादल में से कि वो हमें लगते हैं। तो ये जो बाघ था जंगल में, तो वो भी ये ओलों की मार से परेशान हो उठता है। तो वो क्या करता है, कुत्ते फांदते यानी कि वो फटाफट से दौड़ते हुए कहीं पे नीचे रहने के लिए सहारा ढूंढने लगा। तो वो दौड़ते दौड़ते कहाँ पे आ जाता है, बुढ़िया के घर के पास पहुँच जाता है। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो बुढ़िया है वो यहाँ पे चावल पका रही है। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप, पानी की आवाज़ कैसी थी, टप टप। वो चूल्हे पर चावल पका रही थी तो वहाँ पे भी पानी आने लगा, टप टप। वह झुंझला उठी क्योंकि जो वो पका रही थी चावल, उसके अंदर पानी गिर रहा था, इसलिए वो हैरान परेशान हो उठती है, वो गुस्सा हो उठती है और वो साथ में बोलती है ज़ोर से, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। वो ज़ोर से परेशान होने के कारण बोल उठती है, चीज़ निकालने लगती है कि मुझे इतना टपका से डर लगता है कि जितना अगर कोई बाघ यहाँ पे आ जाए तो मुझे बाघ से भी डर नहीं लगेगा। अब वो बात है जो बाघ सुन लेता है। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है, ज़रूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। ये जो बाघ था वो अनजान था, उसने नहीं, उसको पता नहीं था टपका यानी कि जो बारिश का पानी टपक रहा है उसे टपका कहते हैं। इसलिए वो तो बुढ़िया की बात सुनकर इतना डर जाता है कि वो फटाफट से दौड़ते हुए वापस वो जंगल में दौड़ के चला जाता है, सिर पर पैर रखकर भाग जाने यानी कि बहुत डर कर भाग जाना। तो ये आपने स्टोरी सुनी एक बुढ़िया के बारे में, जिसने बारिश के कारण वो भीग रही थी और जो ये बाघ था वो टपका की बात सुनते डर के भाग जाता है। अब हम इसके शब्दार्थ यानी कि जो ग्लोसरी होती है वो देखते हैं। परेशान, उसका मतलब होता है हैरान। छप्पर यानी कि छत, वो घास फूस या तो लकड़ी से बनी हुई होती है। ओले, जिसका गुजराती मीनिंग यहाँ पे दिया है करा। बेर, उसका भी गुजराती मीनिंग दिया है बोर। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में ये हेडिंग लगाना है, चैप्टर नंबर 6 टप्पा का डर, और ये जो शब्दार्थ है वो अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे है मुहावरे। झुंझला उठना यानी कि क्रोधित होना, सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि तेज गति से भागना, ये भी आपको अपनी नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। अब ये जो अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको होमवर्क में अपनी नोटबुक में लिखना है। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बुढ़िया कहाँ रहती थी, ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आप वर्कबुक में यानी कि स्वाध्याय पोथी में तो लिखने ही वाले हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं एक बार आपको ये इसके आंसर कह देती हूँ, आपको जब मैं स्वाध्याय पोथी में आंसर लिखवाऊँ तब ये जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क के तौर में कंप्लीट कर लेना है। बुढ़िया कहाँ रहती थी, तो बच्चों आपने आगे चैप्टर में देखा कि बुढ़िया जंगल में रहती थी, तो आंसर आप क्या लिखोगे, बुढ़िया जंगल में रहती थी। नंबर 2 देखते हैं, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा, तो आंसर आएगा बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। ये जो क्या शब्द है वो निकाल के आपको सिर्फ वहाँ पे पानी ऐड करना है। नंबर 3, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया, तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। कहाँ आ गया था, बुढ़िया के घर के पास। नंबर 4, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी, तो बच्चों पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी, टप टप। तो आपको आंसर लिखना है पानी टपकने की आवाज़ थी, टप टप, और लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर 5, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था, तो बच्चों उसको बाघ से डर लगता था, नहीं उसको डर लगता था टपका से। तो आंसर आएगा बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। नंबर 6, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया, तो आंसर आएगा बुढ़िया की बात सुनकर बाघ घबराया और वो सिर पर पैर रखकर भाग जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा जो कि आपको नोटबुक में लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। यहाँ पे आपको लिखना है मोर, बाघ और तोता, तीनों के बारे में आपको 5-7 सेंटेंस लिखने हैं। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र
चित्र का वर्णन, यानी कि ये जो मेले का एक पिक्चर दिखाया गया है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सब कुछ जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पे बैठ रहे हैं और कुछ लोग हैं वो जादूगर का खेल देख रहे हैं, कुछ है वो सपेरा का खेल देख रहे हैं और यहाँ पे कैमल भी खड़े हुए हैं। इस तरह से ये जो पिक्चर है वो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन वो हमें यहाँ पे लिखना नहीं है इसलिए हम उसको वोमिट कर देते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। ये कहानी है शेर और चूहे के बारे में। जो शेर था वो जंगल में रहता था और वहीं पे पेड़ के नीचे दर बना के कौन रहता था, बिल बना के चूहा रहता था। एक बार शेर था वो सोया हुआ था तो उसके अंदर ही उसके ऊपर ये जो चूहा था वो खेलने लगा तो इसकी नींद तो उड़ जाती है, यानी कि जो शेर है वो जाग जाता है और वो गुस्सा होकर चूहे को पकड़ लेता है। जब चूहे को पकड़ लेता है तो चूहा उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो शेर बोलता है कि मैं तुझे माफ़ नहीं करने वाला, तूने मेरी नींद उड़ा दी। तो वो बाद में कहता है कि मैं आपको कभी ना कभी ज़रूर मदद करूँगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो जो शेर था वो हंसने लगता है, जो लायन होता है वो हंसने लगता है कि मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, मैं पूरे जंगल का राजा हूँ, तू एक छोटा सा जानवर मुझे क्या मदद करेगा। इस तरह से वो हंसने लगता है, लेकिन जो चूहा होता है वो कहता है कि मैं आपकी ज़रूर एक बार मदद करूँगा, आप मुझे आज के दिन मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो चूहा जो शेर था वो उसे छोड़ देता है हंस के। एक बार होता है ऐसा है कि एक शिकारी जो आता है वो शिकार करने के लिए, यानी कि वो शेर को पकड़ने के लिए जंगल में जाल बिछा देता है और इस जो शेर था उसे पता नहीं चलता है, वो जाल में फंस जाता है। तब वो उसको ये अपना छोटा सा जो मित्र था चूहा वो याद आ जाता है, वो क्या करता है वो ज़ोरों से अपनी गर्जना करने लगता है। गर्जना करता है तो ये जो चूहा होता है उसको पता चल जाता है कि जो शेर था वो अभी मुसीबत में है। तो वो वहाँ पे आता है और पूरी जाल अपने दांतों से काट लेता है, अपने तीक्ष्ण दांतों से उसको काट लेता है और शेर को मुक्त करता है। इससे ये जो स्टोरी है उससे आपको बोध क्या मिलता है बच्चों, बोध ये मिलता है कि कोई भी छोटा सा आपसे बहुत छोटा है लेकिन वो आपको कभी भी मदद कर सकता है, इसलिए आपको कभी भी अपने जो बड़प्पन है उस पर आपको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ये स्टोरी है वो आपको अपने दोस्तों से या तो अपने मम्मी पापा को कहनी है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण दिया है यहाँ पे बिल्ली, तो बिल्ली का बनेगा बिल्लिया, यानी कि यहाँ पे एक वचन जो दिया है उसका आपको बहुवचन बनाना है। बिल्ली जो होते हैं वो एक वचन में होते हैं, यानी कि एक ही बिल्ली हो तो उसे कहते हैं बिल्ली, लेकिन बहुत सारी वहाँ पे कैट यानी कि बिल्ली हो तो क्या कहेंगे, बिल्लिया। आपको यहाँ पे सेंटेंस भी बना के दिया है, मेरे घर में बिल्ली है, बिल्ली के ऊपर से यहाँ पे सेंटेंस दिया है, मेरे घर में बिल्ली है यानी कि एक ही कैट है बिल्लिया। इसके ऊपर से आपको सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेंगे, मेरे घर में बिल्लिया है, यानी कि जब बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब एक वचन हो तो है जो शब्द है वहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, लेकिन जो बहुवचन है यानी कि प्लूरल वर्ब है तो वहाँ पे आपको है के ऊपर डॉट करना है। जब भी बहुवचन का शब्द हो जो पूरा सेंटेंस हो तब आपको है के ऊपर डॉट करना है, एक वचन में नहीं करना है। अब आपको कुछ शब्द दिए हैं जो कि आपको खुद उदाहरण के तौर पे इस तरह से करना है। मक्खी, तो मक्खी का क्या बनेगा बच्चों, बहुवचन मक्खिया, एक वचन मक्खी और बहुवचन बनेगा मक्खिया। तो ये आंसर आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। मक्खी के ऊपर से शब्द बनाया है, मधपुड़े में मक्खी रहती है, कहाँ पे रहती है, मधपुड़े में। अब मक्खिया शब्द के ऊपर हम सेंटेंस बनाएंगे, मधपुड़े में मक्खिया रहती है, तो यहाँ पे है के ऊपर आपको डॉट नहीं करना है और यहाँ पे करना है। आगे देखते हैं लड़की, तो लड़की का बनेगा लड़कियाँ, लड़की यानी कि गर्ल और लड़कियाँ यानी कि गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियाँ, तो सेंटेंस बनाना है। मैदान में लड़की खेल रही है, मैदान में लड़कियाँ खेल रही है, तो ये सेंटेंस भी आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं रोटी, तो उसके ऊपर से सेंटेंस बनाए, कौआ रोटी लेकर चला गया, रोटी का बहुवचन बनेगा रोटियाँ, तो आंसर क्या आएगा, कौआ रोटियाँ लेकर चला गया। नंबर लास्ट देखते हैं चूड़ी, तो चूड़ी का बनेगा चूड़िया, चूड़ी यानी कि बैंगल, चूँकि लेडीज जो होती है वो हाथ में पहनती है उसे कहते हैं चूड़ी। स्त्री ने अपने हाथ में चूड़ी पहनी है और उसका बहुवचन का सेंटेंस बनेगा, स्त्री ने अपने हाथ में चूड़ियाँ पहनी है। यहाँ पे एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में, वो कंप्लीट होती है।
तो आपको भी अपने टेक्सटबुक में तथा नोटबुक में जो भी होमवर्क है वो कंप्लीट करना है। और जो चैप्टर नंबर 6 था यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इसके आगे जो वर्कबुक के एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।